बार जब युद्ध होता है सर तो सैनिकों के हाथ में झंडे होते हैं, उस झंडे से उनको क्या अनुभूति होती है, ताकत मिलती है उनको, उस ताकत की वजह से मैं झंडा अपने घर पे लगाना चाहिए। मैं तो सभी से निवेदन करूंगा कि भैया 200-400 रुपए खर्चा करके झंडे को अपने घरों पे लगाइए और गर्व की अनुभूति करिए। जय हिंद, जय भारत। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज है रक्षाबंधन, भाई बहन जितने भी हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारक। और जो है आज का ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये मेरे पीछे दिख रहा होगा आप लोगों को, हर घर तिरंगा। अभी ये मुहिम चल रहा है, अच्छा भी है, एक यूनिटी को दर्शाता है। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ को नहीं लगता है, मैं उस राजनीति के उसको नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये जो है मुहिम है मुझे तो अच्छा लगा, इसलिए मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ। सो प्लीज़ पसंद ज़रूर कर देना। ये दोस्तों हर घर तिरंगा मुहिम चल रहा है, देखिए कितना अच्छा लगता है ना ये, जब मतलब लहराता है। भैया आप तिरंगा खरीदने आए? हाँ। ये आपकी बाइक है? हाँ। बाइक में लगा रखी है ये, मतलब कैसा लगता है आपको ये? इसके अच्छा। रंग देख के मतलब क्या मिलता है आपको, कैसा मिलता है? महसूस होता है जो हाँ हमारा तिरंगा है। अच्छा, अच्छा लगता है मैंने को। अच्छा, मोदी जी ने बोला है कि मतलब हर घर तिरंगा। मोदी जी पर मतलब तो भी मैं हर साल में लगाते हैं। अच्छा अच्छा, मेरा एक काम ही है, 15 अगस्त से पहले ही मैं घर में लगाते हैं, बाइक में लगाते हैं। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे तिरंगा पहले भी आप बेचते होंगे, पिछले साल भी बेचा होगा ना? नहीं बेचते, मैं पहली नंबर। अच्छा, पहली बार बेचते? पहली बार बेचते। अच्छा, कितने में? ये बात 120 के। तो गाइस देखिए, बच्चे तिरंगा बेच रहे हैं और ये भैया है, इनको बड़ा अच्छा लगता है तिरंगा मतलब लगाना। बाइक में भी इन्होंने लगा रखे, देख सकते हो आप लोग, ये बाइक में दो दो लगा रखे हैं। और एक अभी घर पे भी खरीद रहे हैं ना? अच्छा, घर पे भी लगा रहे हैं ये, लगाने के लिए अभी खरीदने आए हैं। तो मैंने देखा वहाँ से, तो मैं आ गया तो इनको बड़ा अच्छा लगता है। वैसे देशवासी होने की वजह से जो है तिरंगा जो रंग है वो अच्छा लगना स्वाभाविक है। आजकल ये मुद्दा भी बना हुआ है, लेकिन मैं मुद्दे पे जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो लोग को अच्छा लगता है वो लोग खरीद रहे हैं, है ना? और मैम जी, ये तो इन्होंने तो पहली बार लगाया है, तो मैं और दूसरों लोगों से बात करता हूँ, देखता हूँ कि और ये कैसा लग रहा है। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, वैसे ही हुआ, हर जगह ही हुआ ऐसा। ये लीजिए, कितने में दे रहे? 50 दे रहे हैं। शान है हमारी, ये अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। हम यूपी से हैं। घर पे भी लगा रखा है? घर पे फ्लैग ऊपर लगा रखा है, छत पे। अभी ये बाइक के लिए? बाइक के लिए। आज भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखो भारत माता की नारे जो हर जगह गुज रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। भाई वहाँ पे भी लोग भीड़ लगी हुई है तिरंगा खरीदने के लिए। मैं क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत भीड़ है, क्रॉस कर नहीं पा रहा हूँ, भाग के जा रहा हूँ। खरीदना तो हर साल होता है, लेकिन इस साल जो उसको ज्यादा हमने बड़ा तिरंगा लिया भाई साहब से। अच्छा, और क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने संबोधन कर दिया, इस वजह से दाम थोड़े बड़े हुए, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। 250 रुपए से इन गरीबों का भला हो रहा है, हम लोग अपने घर पे जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही, 101% सही बोला, ये बात है जी। गरीब का भी भला हो रहा है और हम लोग भी अपने घरों पे एक तरीके से गर्व का अनुभूति कर रहे हैं और देश के एक पर्व में सहभागिता अपनी दे रहे हैं। इससे यूनिटी को दर्शाता है, यूनिटी को दर्शाता है। लेकिन सर एक गैंग है जो अभी भी इस तिरंगे को लेकर भी उनको आपत्ति है कि हम झंडा क्यों लगाएं, जो हमारे देशभक्ति झंडे से प्रदर्शित, हमारा देशभक्ति झंडे से प्रदर्शित नहीं होता। लेकिन उनको मैं कहना चाहता हूँ कि झंडा है जो एक मूलभूत संविधान ने हमें दिया है और इसका पालन करना हमारा कर्तव्य होता है। और कई बार क्या होता है कि जब एक चिन्ह लेकर आप किसी जंग में उतरते हैं तो उस चिन्ह की इंपॉर्टेंस होती है, इसी की पहचान। हाँ, जब युद्ध होता है सर तो सैनिकों के हाथ में झंडे होते हैं, उस झंडे से उनको क्या अनुभूति होती है, ताकत मिलती है उनको, उस ताकत की वजह से मैं झंडा अपने घर पे लगाना चाहिए। मैं तो सभी से निवेदन करूंगा कि भैया 200-400 रुपए खर्चा करके झंडे को अपने घरों पे लगाए और गर्व की अनुभूति करिए। जय हिंद, जय भारत। तिरंगा खरीदने आए सर? हाँ। तिरंगा? हाँ। दिल में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ये हर घर तिरंगा मोदी जी की वजह से मतलब अभी ट्रेंड में चल रहा है या आप मतलब हर साल ऐसे मतलब खरीदते? नहीं, हर साल नहीं होता है, इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है और उनसे इंस्पिरेशन भी मिली है। इसे एक देश में यूनिटी को जगाता है? यूनिटी बिल्कुल जगाती है इससे और सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है और देश प्रेम जगता है इससे। बिल्कुल सही, मोदी जी का व्यक्तिगत इसमें योगदान है और ये देश के लिए बहुत अच्छा है, देश के हित में, देश के। थैंक यू सर, थैंक यू सर।
15 अगस्त आओ, 26 जनवरी आओ, बकते हैं, बेचते हैं ना। तो वही कह रहा हूँ, पिछले साल जो बेचा इस साल में ज्यादा बेचने को मिल रहा है, पिछले साल ज्यादा बेच रहे थे, ये ऐसी बकरे ज्यादा। अच्छा, ज्यादा बेच रहे हैं। अच्छा, मोदी जी की वजह से। सर सही, मोदी जी की वजह से खरीद रहे हैं या हर साल खरीदते हैं? वैसे तो हर साल खरीदते हैं, बट इस बार थोड़ा क्रेज ज्यादा है बिकॉज ऑफ अमृत महोत्सव। मोदी जी ने एक लहर थोड़ी सी पूरे देश में खड़ी कर दी है, आप खुद ही देख सकते हो। एक खुशी भी तो पता था, साल मना रहे हैं हम। हाँ, पिछले साल मना रहे हैं, उसकी अलग से एक खुशी है। मनाने का तरीका इस बार थोड़ा चेंज हो गया, मतलब थोड़ा सा एक्साइटिंग हो गया। और कैसा लग रहा है? बोलो, अच्छा लग रहा है। बोला घर के लिए भी लिए हमने, दो दो छोटे वाले, ये दिखाओ, दिखाओ के लिए भी लिए। बोलो, मैंने टेबल के लिए लिया आपने। बोलो, बताओ नाम। गर्वित। थैंक यू गर्वित। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय। पिछली बार भी आप झंडे बेचते थे? हाँ बेचते थे सर, पर कम बकते थे सर। अच्छा, इस बार? इस बार बढ़िया बक रहे हैं, मोदी जी साहब ने बहुत अच्छा काम कर दिया गरीबों का। अच्छा, अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। गरीबों को कुछ तो फायदा हो रहा है? हाँ, कुछ फायदे हो रहे हैं सर। फायदा 900 रुपये का आएगा। सो गाइस, यूएसबी आप ले लिया, यूएसबी आप, उसने वैसे तो चेक करके दिखा दिया, पता नहीं, घर जाके देखते हैं कि क्या होता है, लगा के देखेंगे कि कितना स्पीड है क्या नहीं है। सो गाइस, वह यहाँ तक आ गया है, तो मैंने सोचा कि यूएसबी हब भी ले लूँ, तो मैंने यूएसबी हब तो ले लिया है। अब इसके टेस्टिंग की बारी है, तो पता चलेगा लगाने के बाद ही कि कितना काम करता है, वैसे तो काम कर ही लेगा। सर, ये मोदी जी का क्रेज है या हर साल खरीदते हैं? ये हर साल ही खरीदते हैं सर। हर साल खरीदते हैं? घर पे बाहर लगा देते, हर साल ही हम छत पे लगाते हैं। तिरंगा खरीदने आए? हर साल खरीदते हैं कि इस साल? हर साल, हर साल, हर साल। मैं तो अभी अपने ऑटो में ले जाके इसको लगाऊंगा मैं। अच्छा, ऑटो में लगाएंगे। ये तो भैया थे ऑटो वाले, भैया ऑटो चलाते हैं वैसे तो, लेकिन इनका मानना है कि मैं इसको ऑटो में लगाऊंगा। तो ये हर घर तिरंगा का जो मुहिम है, रोड से लेके घर तक सारा का सारा क्रेडिट जाता है मोदी जी को। लेकिन ये अच्छी चीज भी है, कुछ लोग अपने आप भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो है मोदी जी की वजह से भी कर रहे हैं, तो अच्छा है। लेकिन गरीबों का कुछ ना कुछ तो फायदा हो ही रहा है। फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप कि पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो सर, कैसे हैं? तिरंगा खरीदने आए? छोटा सा। अब हर साल खरीदते हैं या इस साल? हर साल खरीदते हैं। अच्छा, हर साल खरीदते हैं।